सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे अनाज मंडी के व्यापारी, 2% टैक्स के विरोध में हुई बंद मंडी। लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत एक ओर राहत तो दूसरी ओर आंदोलन, ऐसे में कैसे होगी लोगों के घरों में रसद की आपूर्ति, मंडी के व्यापारी कर रहे विरोध प्रदर्शन। खारीकुई क्षेत्र में बुधवार शाम को पुलिसकर्मी का ड्यूटी के दौरान नशे में गश्त करने पर लोगों को परेशान करने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल। जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि ड्यूटी के दौरान कहीं भी पुलिसकर्मी द्वारा अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस किसी की शिकायत आएगी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कोरोना महामारी को लेकर अजमेर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग बरत रहा है घोर लापरवाही। देसी घी के क्षेत्र में अब राजस्थान की सरस डेयरी, अमूल, मदर, लोटस जैसी बाहरी संस्थाओं से मुकाबला कर सकेंगी। 2% मंडी शुल्क बढ़ाने के गहलोत सरकार के फैसले पर अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने किया स्वागत। केंद्र सरकार से जीएसटी घटाने की रखी मांग। गौतम नगर बुद्ध विहार अजमेर में सर्वधर्म प्रतिनिधियों द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना का किया गया आयोजन। इस अवसर पर संसार के समस्त प्राणियों के लिए की गई मंगल कामना। लोंगिया विकास समिति के अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले योद्धाओं का किया सम्मान। पाली जिले की जवाली ग्राम पंचायत में होम क्वारंटाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ ग्रामीण युवाओं का फूटा गुस्सा। युवाओं ने ग्राम पंचायत की कोविड-19 कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपुरोहित और ग्राम सचिव सत्यनारायण सिंह का किया घेराव। जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान रोगी दिल्ली जमात में तैनात थे। जालौर में प्रवासी लाए कोरोना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान, अनाधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाएं होंगी सील। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और एनडीएम के अधिकारियों से की बात। आला अधिकारियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने हर संभव मदद के दिए निर्देश। जिला प्रशासन द्वारा लगातार शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं आज सिविल डिफेंस के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के बाहर सैनिटाइज किया गया। वहीं शहर में आने जाने वाली गाड़ियों को भी सिविल डिफेंस द्वारा किया गया सैनिटाइज।